दोस्तों आज की ताज़ा खबर इंडिया वर्सेस एनडीए, मोदी जी का नया भारत जीतेगा या फिर इंडिया, विपक्ष का इंडिया जो गठजोड़ बना है वो जीतेगा। सबकी निगाहें इसी पर टकी है, सबकी निगाहें इस बात पर है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, किसको जनता अपना मत देगी और किसको जनता नकार देगी, क्योंकि आज की ताज़ा खबर यही है दोस्तों। और इस ताज़ा खबर को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, मौजूद हुई हूँ, या आपको जो भी लगता है वो मैं आपको ये ताज़ा खबर देख बताने वाली हूँ कि आखिर माजरा क्या है, आखिर हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। हिंदुस्तान में वैसे तो बाढ़ चल रहा है, महंगाई चल रही है, बेरोज़गारी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का बैठक भी चल रहा है। विपक्ष एकता जो है यहाँ से इनकी शुरुआत हो चुकी है। जिस विपक्ष का खंड खंड होने की बात कही जा रही थी, वो विपक्ष ऐसे खंडित हुई है दोस्तों, ऐसे खंडित हुई है कि बीजेपी भी सोच नहीं सकती है। माफ़ कीजिएगा, मजाक की बात है, तंज में कह रही हूँ, खंडित नहीं बल्कि एक साथ एक जगह मिलकर खड़ी हो गई है। एक मतलब कहा जाता है कि कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। और जैसे ही ये मीटिंग सक्सेसफुल हुई, इंडिया नाम रखाया, उसके बाद तो गोदी मीडिया में जैसे लग रहा है सांप लौट गया। गोदी मीडिया के लोग ऐसे पागल हो गए हैं, पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार ऐसे पागल हो गए हैं, ऐसे सठिया गए हैं दोस्तों, जैसे लग रहा है उनका जो है वो सारा नींद चैन सुख प्यास सब कुछ खो गया, सब कुछ छिन गया है उनसे। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगी ये जो इंडिया वाला जो माजरा है वो क्या है। तो सबसे पहले आप एक ट्वीट देखिए स्क्रीन पर मेरे, क्या लिखा गया है एक यूज़र की तरफ से। डर और विडम्बना देखिए, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया करने वाले आज विपक्ष के इंडिया को किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का ही नारा था दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सब इंडिया को मिलाकर विपक्ष ने खुद को इंडिया का नाम दे दिया है। अब मोदी जी वाला नया भारत जीतेगा या विपक्ष का पुराना वाला इंडिया जीतेगा, ये बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं, ये बहुत दिलचस्प भरी बातें हैं। तो इसको लेकर तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं, और राय क्या रख रहे हैं वो भी ज़रा आप देखिए कि जैसे ही ये बात सामने आई है बीजेपी की स्थिति क्या हुई है, और किस तरीके से जो रणनीति तैयार हुई है विपक्ष दलों की वो भी आप समझ लीजिए। तो कांग्रेस जो है अरविंद केजरीवाल की आज वीडियो शेयर कर रही है, हमेशा से तो आरोप लगाने वाला वीडियो शेयर हो रहा था, लेकिन आज मोदी के विरोध में जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं वो वीडियो शेयर हुआ है। और लिखा गया है कि बीते 9 साल में मोदी सरकार ने देश की संपत्तियाँ बेच दी है, हर सेक्टर को बर्बाद कर दिया है, आज देश का हर वर्ग दुखी है, आज हम सब एक ऐसे भारत का सपना लेकर एकजुट हुए हैं जहां युवाओं को रोज़गार, बच्चों को अच्छी शिक्षा और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान सामने आया है आज की पार्टी में। आपकी तरफ से ट्वीट किया गया है कि इंडिया का सपना है जो इन लोगों ने नाम रखा है विपक्ष का, हर गरीब बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर युवा को रोज़गार मिलना चाहिए, हर बीमार को अच्छा इलाज मिलना चाहिए, हमें इस देश को नफरत से बचाना है। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बातों को तवज्जो दी जा रही है। नरमदार नाम के यूज़र हैं वो मोदी जी की एक फ़ोटो शेयर करते हुए ऐसे करके कोई सोचने वाली, वो शेयर करते हुए लिखते हैं कि हिंदुस्तान का फुल फॉर्म तो बहुत बड़ा हो जाएगा, द अपोजिशन अलायंस हैज़ नेम्ड इटसेल्फ इंडिया मोदी जी। तो अपोजिशन ने अलायंस करके नाम रख दिया है इंडिया, तो मोदी जी इसको सोच विचार करने लग गए हैं। आगे एक और ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूँगी दोस्तों, सुप्रिया भारद्वाज का, जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है कि इट्स ऑफिशियल, कांग्रेस प्रेसिडेंट मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, आवर अलायंस नेम इज़ इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो इसका नाम ये है, ये दिया गया इस पार्टी का, जहाँ पर तमाम विपक्ष दल के नेता मौजूद हैं। ANI डिजिटल की तरफ से भी शेयर किया गया इस तस्वीर को, और लिखा गया है कि UPA इज़ नाउ इंडिया, जो UPA है उसका अब नाम इंडिया कर दिया गया है। पवन खेड़ा लिखते हैं ट्वीट करते हुए कि इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। कांग्रेस लिख रही है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस।
तो ऐसे जो है तमाम लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और अपनी अपनी बातें कह रहे हैं कि कैसे जो है अब एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। कृष्णा नाम के यूज़र लिखते हैं कि टुगेदर विल वी विन, इट इज़ टाइम फॉर इंडिया, अब ये भारत के जीत का समय है, नेशनल इंडियन डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो इस तरीके की चर्चा जो है दोस्तों अब हर तरफ देखने को मिल रहा है। डर और विडम्बना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल, तो ये सब कुछ को लेकर मिला करके जो विपक्ष ने नाम रख दिया है, उसके बाद बीजेपी का तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हाल हो गया है। जो बार बार भारत के नाम पर वोट मांगते थे कि मोदी जी का नया भारत, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया करके मोदी जी खूब भाषण देते थे, लेकिन 100 की सीधी जवाब विपक्ष ने मिलकर इस पूरे मामले को एक ही शब्द में लाकर स्टॉप कर दिया है। वो शब्द है भारत, इंडिया, यानी कि इंडिया पहले भी था, है और रहेगा, चाहे आप उसमें कुछ भी लगा लीजिए, कोई भी नाम जोड़ लीजिए, लेकिन इंडिया जो है वो इंडिया ही रहेगा। आप उसमें स्टार्टअप लिख दीजिए, स्किल लिख दीजिए, डेवलपमेंट लिख दीजिए, कुछ भी बोल करके आप प्रचार कर लीजिए, लेकिन हम जिस लड़ाई और जिस स्तर का युद्ध करने जा रहे हैं उसका नाम इंडिया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आज मोदी जी को मात देने के लिए विपक्ष की तरफ से एकता बनी है, वो एकता आगे तक कहाँ तक जाती है और कैसे आगे की जो रणनीति है वो तैयार करती है, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। क्योंकि आज एक दिन की बैठक में बीजेपी के गले से खाना नहीं उतर रहा था। अगर उनके बयान उठा उठा कर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी घबराहट, कितनी बौखलाहट है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।